तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वोटर कार्ड की सर्विसेज को आसान बनाने के लिए एक न्यू पोर्टल को जारी किया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग वोटर कार्ड की सारे सर्विसेज को कर सकते हो। एंड दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर कार्ड के सर्विसेज को आसान से आसान बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप सभी लोग वोटर कार्ड की सारी सर्विसेज बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर दोस्तों, आप सभी लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक न्यू पोर्टल को बनाया गया है वोटर आई डी कार्ड का। इस वेबसाइट पर आ जाओगे, यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन दिया गया है लॉगिन का, आप सभी लोग को लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप सभी लोग को वीडियो में बने रहना है। इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को बताऊंगा कि इसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप सभी लोग को किस प्रकार से बनाना है। चलिए दोस्तों, मेरा यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑलरेडी ही बना हुआ है, तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, कैप्चा को फिल करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ एंड लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप सभी लोग को डिटेल्स में बताता हूँ कि कौन कौन से फीचर्स आप सभी लोग को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो नए पोर्टल यानी कि ECI वेब पोर्टल है, इसमें क्या क्या चीजें नई दी गई है। तो आप लोग लॉगिन कर देते हो, आप सभी लोग का जो भी नेम है, यूजर आईडी जिस भी नेम से क्रिएट करोगे उसका नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप सभी लोग को ऑप्शन दिया गया है फॉर्म्स का, आप सभी लोग को फॉर्म्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो न्यू पोर्टल बनाया गया है, इस पोर्टल में अभी फिलहाल दोस्तों टोटल 5 सर्विसेज को लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग इस पोर्टल के माध्यम से नया वोटर आईडी कार्ड बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हो। वोटर कार्ड में कोई भी करेक्शन करना है वो भी आप सभी लोग कर सकते हो। अगर वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना है वो भी आप लोग इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हो। अगर दोस्तों आसान किस प्रकार से किया गया है वोटर आईडी कार्ड की सर्विसेज को, चलिए वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जिसके लिए फॉर्म 6 के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फॉर्म 6 के ऑप्शन पे क्लिक करते ही दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हो एक नया इंटरफेस आप सभी लोग को देखने को मिलेगा। पोर्टल या पुराने वेबसाइट में ऐसा होता था, आप सभी लोग को एक पेज में कुछ ऑप्शन दिया जाता था, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट करते थे, फिर अलग पेज ओपन होता था। अगर आप सभी लोग को कोई भी त्रुटि होता है तो फिर आप सभी लोग बैक आते थे, वहाँ पे कोई भी करेक्शन कर पाते थे। तो इस नए वेबसाइट और नए पोर्टल के माध्यम से आप सभी लोग को दोस्तों एक ही पेज में, यानी कि देख सकते हो आप सभी लोग, एक ही पेज में सारा ऑप्शन दे दिया गया है। आप लोग एक ही पेज में सारा ऑप्शन को फिल कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप सभी लोग को सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, सेव का ऑप्शन दिया गया है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम दिनों के अंदर आप सभी लोग का जो वोटर आईडी कार्ड है वो तुरंत ही बन जाएगा। जैसे कि दोस्तों चलिए मैं एग्जांपल में आप सभी लोग को दिखाता हूं। अभी दोस्तों अगर आप लोग स्टेट के ऑप्शन पे आओगे तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसको अभी तक सिलेक्शन नहीं किया गया है नए पोर्टल के माध्यम से। अभी दोस्तों आप सभी लोग को 4 स्टेट देखने को मिलेंगे, आसाम, बिहार, गोवा और उत्तराखंड। अगर दोस्तों आप सभी लोग किसी अदर स्टेट के हो तो मे भी दोस्तों आप सभी लोग कुछ घंटों का या कुछ दिनों का वेट कर लीजिए, यानी कि 1 से 2 दिनों का वेट कर लीजिए, आप सभी लोग के स्टेट का नेम यहाँ पर आ जाएगा। चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए बिहार ले लेता हूँ। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर आप सभी लोग को असेंबली चूज़ करना है, इसके बाद अपना पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सभी लोग को ध्यान देना होगा दोस्तों, इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी सर्विसेज को करने के लिए आप सभी लोग को आधार कार्ड जो है उसकी डिटेल्स को देना पड़ेगा, जिसके लिए आप आधार के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, आधार का डिटेल्स आप सभी लोगों से ऑटोमेटिक ही फेच कर लिया जाएगा। के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप सभी लोगों का जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप लोग ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पे आके, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पे आके आप सभी लोगों का जो भी एप्लीकेशन है आप उसको बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकते हो, जिसके लिए आप रेफरेंस नंबर डालोगे, सबमिट करोगे ना है। जो भी वोटर आईडी कार्ड का आप सभी लोगों ने एप्लीकेशन दिया होगा उसका पूरा स्टेटस यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप सभी लोग को अपने वोटर आईडी कार्ड का डिटेल्स जानना है, अगर आप लोग का वोटर आईडी कार्ड बन गया है या नहीं बना है, दोस्तों आप सभी लोग को अपना पूरा डिटेल्स को फिलअप करना पड़ेगा, जिसके लिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, अपना नेम, रिलेटिव नेम, जेंडर डालोगे, सबमिट करोगे, आप सभी लोग का सारा डिटेल्स शो कर देगा। कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वोटर आईडी कार्ड मित्र बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आप सभी लोग के वोटर आईडी कार्ड के एप्लीकेशन को अप्रूव करते हैं। उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पे आप सभी लोग को देखने को मिल जाता है। अगर आप सभी लोगों ने अपना नया वोटर आईडी कार्ड आवेदन किया होगा तो उनसे कांटेक्ट करके आप अपना जो वोटर आईडी कार्ड है बहुत ही आसानी से अप्रूवल भी करवा सकते हो, कि जो आप लोगों का वोटर आईडी कार्ड बनने का प्रोसेस है जिसमें कि 1 महीने या 2 महीने लग जाते हैं, उस केसेस में दोस्तों 1 या 2 दिन के अंदर आप सभी लोग का वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग को वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना है तो आप फॉर्म 6B के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालोगे एंड वेरीफाई एंड फिल 6B के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आधार नंबर डालोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे एंड सबमिट प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे।
प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आप सभी लोग का जो फॉर्म 6 भी है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी कार्ड को लिंक कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर आईडी कार्ड के सर्विसेज को करने में काफी ज्यादा आसानी कर दिया है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा इसमें क्या नया अपडेट है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, जो वोटर आईडी कार्ड की सर्विस में काम करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी राहत है, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को बार बार नेक्स्ट पेज या अलग पेज में जाना पड़ता है एंड वहां पे वो अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसको करेक्शन करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये जो नया यूजर इंटरफेस बनाया गया काफ़ी इजी प्रोसेस बना दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप सभी लोग को इसका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड किस प्रकार से मिलेगा। उसके लिए दोस्तों आप सभी लोग को अपने गूगल में सर्च करना होगा NVSP, जैसा कि मैं यहाँ पे NVSP सर्च कर देता हूँ। फर्स्ट वेबसाइट जो आएगा दोस्तों उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन को चला के रखा गया है, तो यहाँ पे आप सभी लोग को लॉगिन विद रजिस्टर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डू यू हैव अकाउंट रजिस्टर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के कैप्चर डाल के सबमिट OTP करोगे, जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है वो आप लोग बना लोगे। दोस्तों यहाँ पे अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो, आप सभी लोग का लॉगिन बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हो और कमेंट में लिख सकते हो कि कौन सा पार्ट आप सभी लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं।